नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार सी एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है डेस्टिनी। इससे पहले कि मैं अपनी बात रखूं, एक कहानी आपके साथ शेयर करता हूं जो मेरे एक दोस्त ने मुझे सुनाई। एक बार एक आदमी होता है जिसकी मौत का टाइम आ चुका होता है, इसलिए डेथ उसके पास आती है उसे लेने के लिए। लेकिन वो आदमी इतना चालाक होता है कि उसने अपनी लाइफ में इतने लोगों को बेवकूफ़ बनाया होता है और वो सोचता है कि वो डेथ को भी बेवकूफ़ बना देगा। तो डेथ उसके पास आती है और बोलती है कि बड़ी, टुडे इज़ योर लास्ट डे, लेट्स गो। तो वो आदमी डेथ को बोलता है कि अब जाना ही है तो क्यों ना एक कॉफ़ी पीकर ही चलते हैं। तो डेथ ने बोला ओके। वो आदमी बड़ी चालाकी से उस कॉफ़ी में स्लीपिंग पिल्स डाल देता है और डेथ को पिला देता है। डेथ को नींद आ जाती है और जैसे ही डेथ सो जाती है, ये आदमी क्या करता है, उसके पास एक लिस्ट होती है जिसमें इस आदमी का नाम सबसे टॉप पर लिखा होता है। ये वो नाम हटाकर बॉटम में अपना नाम लिख देता है और फिर उसके बाद जैसे ही डेथ की नींद खुलती है, वो इस आदमी को बोलती है कि आज तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, मुझे कॉफ़ी पिलाई, मुझे बहुत अच्छी नींद आई, अब मैं नीचे से शुरुआत करूँगी। तो जैसे ही वो नीचे से शुरुआत करती है, इस व्यक्ति का नाम आ जाता है। दोस्तों, यही है हमारी डेस्टिनी। हम जो सोचते हैं, अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं हमारी लाइफ में। होता वही है जो समय चाहता है, जो ऊपर वाला चाहता है, जो भगवान चाहता है। इसलिए हमें वही काम करना चाहिए जो हमारे अंदर से प्रेरणा आ रही है, जो हमारे अंदर से बाहर आ रहा है। हम दूसरों को देखकर कोई भी काम ना करें, क्योंकि वो काम ईश्वरीय प्रेरणा से नहीं आया है, वो आउटर इन्फ्लुएंस से आया है। आपको अपनी लाइफ में वही काम करना है जो आपके अंदर से आ रहा है, जो आपके अंदर से आपको बोल रहा है कि ये कर कर कर, लेकिन आप डर के कारण उस काम को नहीं करते हैं। इसलिए ना तो आपको सुख मिलता है, ना शांति मिलती है, ना सफलता मिलती है। इस दुनिया में वही लोग सुखी हैं, वही लोग शांत हैं, वही लोग सफल हैं जो अपने अंदर की आवाज़ सुनते हैं, जिसे हम अंतरात्मा भी कहते हैं। और तभी आपको आपकी सही डेस्टिनी मिलेगी। नहीं तो आप अपना नाम मौत की लिस्ट में से ऊपर से काट कर नीचे अगर लगाएंगे, तो शायद समय नीचे वाले को पहले उठा ले। इसलिए हमें अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ करना है और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के साथ ही करना है, बस। बाकी दुनिया में और कोई काम करना हमारे लिए व्यर्थ है, हमारी ऊर्जा खाएगा, हमारा समय खाएगा और हमें जीवन में कुछ नहीं देगा। और यही 95% लोगों के साथ हो रहा है दोस्तों। तो आइए हम उन 5% लोगों में शामिल हो जाएं जो अपनी अंतरात्मा को फॉलो करते हैं और वही काम करते हैं जिसकी प्रेरणा उन्हें अंदर से मिल रही है, ना कि बाहर के लोगों को देखकर जो एक चूहे की दौड़ में शामिल हैं। सब एक दूसरे को देखकर भाग रहे हैं, एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, एक दूसरे को पछाड़ने की रेस में लगे हुए हैं और हासिल कुछ नहीं हो रहा है। वो मुंह लटकाए ऑफिस जाते हैं और मुंह लटकाए ऑफिस से बाहर आते हैं। अगर वाकई उन्होंने अपने दिल की आवाज़ सुनी होती तो उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान नजर आती। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरे इस वीडियो से थोड़ी सी भी इंस्पिरेशन मिली हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिए। मुझसे यूं ही जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।